हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू क्लासेस आज हम कॉन्स्टिट्यूशन में रिट पर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कितने टाइप की रिट्स होती हैं जिसमें से हम हाँ जो हमारी फर्स्ट रेट है कॉर्पस उसको डिस्कस भी करेंगे लेकिन सारे रेट को एक ही वीडियो में कवर करना इज नॉट पॉसिबल सो वी विल मेक डिफरेंट लेक्चर ऑन एवरी रिट सो लेट स्टार्ट यहाँ पे हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को जो पावर है रेट इश्यू करने की वो आर्टिकल थर्टी टू के अंदर है वेन एनी फंडामेंटल राइट ऑफ हैज राइट टू डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ इस राइट जब किसी नागरिक के फंडामेंटल राइट right का वायलेशन होता है तो उस व्यक्ति को ये राइट right है कि वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है यानी कि वो रेट एप्लीकेशन दे सकता है

द पावर टू इशू रिट्स आई आल्सो प्रोवाइडेड टू हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 जो आर्टिकल हमारा 226 है उसमें हाई कोर्ट की की पावर दी गई है है रिट इशू करने की, जो कहती है कि जो सिटीजन है अगर उनके फंडामेंटल राइट right का इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है तो वो हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं लेकिन अगर जो सिटीजन है वो उनका कोई जो है लीगल राइट right अगर इन्फ्रिंज हो रहा है जो कि उनका फंडामेंटल राइट right नहीं है तो उससे संबंधित भी जो हाई कोर्ट है, है। वो रिट कर सकता फंडामेंटल राइट हैज बीन वायलेटेड ए एक इंडियन है भारतीय नागरिक है जिसके फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकारों का हनन हुआ है हेयर ए हैज राइट टू आइदर अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और

एक ही किसी ऐसे राइट का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है जो कि एक फंडामेंटल राइट नहीं है तो वहां पर वह व्यक्ति केवल हाई कोर्ट को ही अप्रोच कर सकता है ना कि सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट को कब अप्रोच करेगा जब उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा हेयर द टाइप ऑफ रिट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फाइव टाइप्स ऑफ रिट विच कैन बी इश्यूड बाय द कोर्ट द फर्स्ट इज उत्प्रेषण क्यू वारंटो तो अधिकार एंड प्रोहिबिशन रिट फर्स्ट हम आते हैं अपनी हैबियस कॉर्पस रेट पर जिसे बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं

कोर्ट के सामने एंड इट इज़ वन ऑफ़ द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडीज़ अवेलेबल इन अ पर्सन पर्सन और ये को भी कोई भी होता है इलीगली उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी भी है बाय दिस पर्सन और अथॉरिटीज और कोर्ट इस रेट के थ्रू जो कोर्ट है

उनको पूछेगा, and if he fails to provide a ground, और अगर वो fail हो जाता है, एक valid ground बताने की कि इस कारण की वजह से मैंने इस पर्सन को डिटेन किया हुआ है तो द पर्सन डिटेन रिलीज बाय द कोर्ट इमीडिएटली तो वो पर्सन जिसको डिटेन किया हुआ है वो पर्सन कोर्ट के द्वारा इमीडिएटली यानी कि तुरंत रिलीज मुक्त कर दिया जाता है यहाँ पे हम स्टेशन देखें तो ए इज रॉन्ग फुली डिटेन बाई बी पुलिस ऑफिसर ए जो कि रॉन्ग फुल डिटेन किया गया है बी के द्वारा बी क्या है एक पुलिस ऑफिसर है ए राइट्स टू द हाई कोर्ट रिगार्डिंग द सेम ए इस बारे में हाई कोर्ट को जो है पत्र लिखता है द हाई कोर्ट समन बी विद ए एंड आस्क द ग्राउंड फॉर डिटेनिंग ए यहाँ पर जो हाई कोर्ट है वो बी को समन भेजता है और पूछता है कि बताइए कि किन ग्राउंड्स के आधार पे आपने ए को डिटेन किया हुआ है इफ बी फेल्स टू प्रोवाइड अ वैलिड ग्राउंड और जस्टिफिकेशन फॉर एस डिटेंशन ए विल बी फ्री टू गो अगर यहाँ पर बी जिसने जो कि एक पुलिस ऑफिसर है और उसने ए को डिटेन किया हुआ है अगर वो वैलिड ग्राउंड बताने में फेल हो जाता है और जस्टिफिकेशन नहीं कर पाता है तो वहां पर जो ए है जिसको डिटेन किया गया है उसे फ्री कर दिया जाएगा कि आप अब जा सकते हैं

जस्टिफाइड होते हैं तो वहां पर ये इशू करने की रिगार्डिंग क्या क्या रूल्स बताए गए हैं तो द फर्स्ट इज एप्लीकेट शुड बी इन कस्टडी ऑफ एन जो एप्लीकेंट है जो एप्लीकेशन दे रहा है रिट पिटीशन फाइल कर रहा है वो कस्टडी में होना चाहिए कि किसी अन्य पर्सन की Unusually, the detained person and his family member are allowed to file an application for habeas corpus. Generally, जो, है, जो detained person है जिसको बंदी जिसको बनाया गया है जिसको डिटेन किया गया है निरोध किया हुआ है उसका वो और उसकी फैमिली मेंबर को ये परमिशन होती है कि वो habeas कॉर्पस के लिए एप्लीकेशन दायर कर सकता है बट The court has also allowed such application by a stranger if it is done in public interest. अगर हित का मैटर है तो वहां पर जो कोर्ट है वो एक स्ट्रेंजर पर्सन को भी एप्लीकेशन फाइल करने की परमिशन दे सकता है

The writ of habeas habeas corpus cannot only be used for releasing a person illegally detained. रिट ऑफ है वो केवल जो इलिगली डिटेन पर्सन है उनको रिलीज करने के लिए ही इश्यू नहीं की जा सकती बट इट विल बी ऑल्सो यूज फॉर प्रोटेक्टिंग हिम इन ह्यूमन ट्रीटमेंट इन साइड द जेल बल्कि जो जेल के अंदर जो प्रिजनर कैदी है उनके साथ जो इनह्यूमन ट्रीटमेंट हो रहा है उनके साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी रिट की जा सकती है। तो कृष्ण स्वामी अय्यर ने इस केस में जो है कॉर्पस का स्कोप था उसको और वाइड कर दिया वहीं हम अदर पॉइंट्स की बात करें हैबियस कॉर्पस के तो उसमें हम देखते हैं कि एक पर्सन कैन नॉट मेक एप्लीकेशन

It is done, और अगर ऐसा किया जाता है, तो सच एन एप्लीकेशन वे बी रिजेक्टेड तो ऐसी रिजेक्ट कर दी जाएगी बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा जो रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल है जो की सीपीसी में दिया गया है प्राण न्याय का सिद्धांत जिसे कहा जाता है उसके अनुसार नेक्स्ट दिस है, है किसी पर्सन को अरेस्ट किया है वो जो अरेस्ट किया है वो उसमें जो प्रोसीजर होता है अरेस्ट का और फॉर्मेलिटीज होती है उसको उसने जो रिक्वायर्ड होती है वो फॉलो नहीं किया है तो वहां पर भी रिट इश्यू की जा सकती है इसे रिलेटेड सेक्शन आपके फिफ्टी सिक्स ऑफिस 57 ऑफ सीआरपीसी के हैं। इसमें कहा गया है कि यदि किसी पर्सन को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर और बिना किसी डिले के निकटतम मजिस्ट्रेट के पास उसे उपस्थित करना जरूरी होता है नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियोस ओके टेक केयर बाय बाय